एक शादीशुदा आदमी का अपनी सेक्रेटरी के साथ ही अफेयर चल रहा था। एक दिन दोनों ऑफिस से सेक्रेटरी के घर चले गए और दोनों ने जमकर मजे किए और आदमी वहीं सो गया। शाम को जब आदमी की नींद खुली तो उसे उस समय का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपनी सेक्रेटरी को कहा कि उसके जूते को बाहर ले जाकर घास पर अच्छी तरह से रगड़ो और उसमें मिट्टी लगा दो। सेक्रेटरी को यह बहुत अटपटा सा लगा, पर उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। आदमी ने जल्दी से अपने कपड़े और जूते पहने और अपने घर के लिए चल दिया। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा ही था कि उसकी बीवी देखकर जोर से चिल्लाकर बोलती है, कहाँ थे तुम अभी तक इतने देर तक? पति ने कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, दरअसल मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है और मैं उसके घर पर ही उसके साथ सो गया था। पत्नी ने गुस्से में अपने पति के जूते की ओर देखा और फिर बोलती है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम आज फिर से गोल्फ खेलने गए थे ना? एक बार कुछ पियक्करों ने दारू पी के एक टैक्सी रोकी और कहा, चल। टैक्सी चालक ने गाड़ी शुरू की और फिर बंद कर दी। वह बोलता है, ये लो साहब, हम पहुंच गए। पहले ने उसे पैसे दे दिए और दूसरा बोला, धन्यवाद भाई। फिर तीसरे ने एक थप्पड़ दिया और बोलता है, आराम से चलाया कर, आज तो मरवा ही देता। एक बार एक शहरी लड़का नदी में बत्तखों पर निशाना लगा रहा था। इतने में निशाना चूक गया और पानी भर रही एक देहाती महिला का घड़ा फूट गया। वह उस स्त्री के पास गया और बोलता है, सॉरी फॉर डैट। उस औरत ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारी और बोली, दहेजरा के नाती, एक तो घड़ा फोड़ देस, ऊपर से कहत है साड़ी फाड़ देव। अरे हम तोहार के करेजा निकाल देव, न तो भाग हियाँ से। एक बार पति और पत्नी ट्रेन के ऊपर वाले सीट पर बैठकर कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक से पति को ठरक चढ़ जाती है, तो वह अपनी पत्नी से कहता है, जब मैं कोक बोलूं तो तुम अपने कपड़े उतार देना, और जब मैं पेप्सी बोलूं तो तुम टांगे फैला लेना, और जब मैं थम्सअप बोलूं तो समझना कि अब डालने वाला हूँ। इतने में पति और पत्नी की बात सुन रहे नीचे वाले सीट पर बैठे हुए एक आदमी को गुस्सा आ जाता है और आदमी वह गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, साले पेप्सी थम्सअप तक तो ठीक है, अगर लिमका मेरे ऊपर गिराई ना तो मैं तुम दोनों की यहीं पर फाड़ दूंगा। नो 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 नो। एक बार पप्पू पहली बार महंगी होटल में गया और चाय मंगवाई। वेटर ने ट्रे में गर्म पानी का थर्मस, टी बैग, दूध पाउडर और शुगर क्यूब दे गया। बड़ी मुश्किल से पप्पू ने सब मिक्स करके चाय बना ली और पी ली। वेटर ने पूछा, और कुछ लाना है सर? पप्पू ने कहा, ऐसे तो मुझे गरम गरम समोसे खाने की इच्छा है, पर सोचता हूँ भाई तू इतने छोटे से टेबल पर आटा, तेल की कढ़ाई और गैस का चूल्हा कैसे रखेगा? एक लड़की के दादाजी गुजर गए तो लड़की अपनी दादी के पास गई और पूछा कि दादी, दादाजी कैसे मर गए? दादी ने कहा, हम दोनों मजे कर रहे थे कि अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। लड़की हैरानी से बोलती है, इस उम्र में आप मजे कर रहे थे? तब तो उन्हें दौरा पड़ना ही था। दादी बोलती है, अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, दरअसल जब हमें एहसास हुआ कि हम बूढ़े हो गए हैं तो हमने इसका एक हल निकाला कि हर रविवार को जब वो सामने वाले बिल्डिंग का घंटा बजेगा ना, और जितनी रफ्तार से बजेगा हम उसके मुताबिक ही मजे करेंगे और धीरे धीरे आराम आराम से। लड़की बोली, फिर दौरा कैसे पड़ा? दादी ने कहा, यह सब हुआ है उस फायर ब्रिगेड की गाड़ी की वजह से, जिसकी घंटी को तुम्हारे दादाजी ने
सामने वाले बिल्डिंग की घंटी समझकर तेज हो गए थे। एक बार एक बहानेबाज कर्मचारी का दादा उसके दफ्तर में जाकर उसके बॉस से बोलता है, इस दफ्तर में सुनील नाम का व्यक्ति कार्य करता है, मुझे उससे मिलना है, वह मेरा पोता है। बॉस ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अफसोस है सर, आप देर से आए हैं, वह आपके अर्थी को कंधा देने के लिए यहाँ से छुट्टी लेकर गया है।